नमस्कार, आप देख रहे हैं मगर टीवी। मैं हूं आपके साथ अंकिता। युवा राजद के द्वारा सोमवार को गया के गांधी मैदान गेट नंबर 7 पर धरना स्थल के पास माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के आह्वान पर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई, ध्वस्त कानून व्यवस्था को लेकर महाधरना जिला अध्यक्ष प्रवीण पासवान के नेतृत्व में किया गया, जिसमें युवा राजद जिला उपाध्यक्ष आमिर सोहेल, राजद महासचिव अरुण यादव, गोल्डन यादव व अन्य लोग भी उपस्थित हुए। हम पूछते हैं, कहाँ हो देश के प्रधानमंत्री, कहाँ हो अमित शाह जी, कहाँ हो राज्य के मुख्यमंत्री अमित शाह जी, नीतीश कुमार जी, आप लोग जो हैं बेरोजगारी पर कोई लगाम नहीं दे रहे हैं, किसानों के समस्या पर कोई विचार नहीं आप लोग कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ता ही जा रहा है, किसानों का समस्या बढ़ता जा रहा है, समस्या पूरा देश में बढ़ रहा है, बेरोजगारी पूरा देश में बढ़ रहा है। तो इसके बाद भी कहीं धरना वगैरह देंगे इस तारीख के बाद भी कभी? धरना तो 23 तारीख को है पटना में विधानसभा, हम लोग घेराव करने जा रहे हैं, उसमें भी होश में आने की ज़रूरत है देश के प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि नौजवान यहाँ के बेरोजगार हैं और हर कदम पर हमारे देश के प्रधानमंत्री 56 इंची न फेल है। फेल है इस मामले में, वो जो भी बोलते हैं वो झूठा बोलते हैं, एक भी कदम उनका सही नहीं उठा है, एक भी आवाज सच नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री शुद्ध भावना से, शुद्ध भाव के साथ देश को देखें, नहीं तो ये आंदोलन जो है हम लोग पूरा देश में चल लागू करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ रहे हैं मैं सीताराम प्रसाद, उप नेताजी अरुण यादव, महासचिव महानगर जिला गया। हमारे नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान और हमारे प्रदेश अध्यक्ष युवा राजद के जनाब कारी सोहेब जी के आह्वान पर हम लोग आज पूरे बिहार के जिला मुख्यालय में इस तरह से हम लोग धरना दे रहे हैं। धरना इस बात के लिए है, बिहार में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ है, बिहार में कानून व्यवस्था लचर हो गया है, हत्या, लूट, अपहरण दिनों दिन बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि शिक्षक के या अभ्यर्थियों की नियुक्ति की बात है, यहाँ पर जन सरकार के मुद्दे के लेकर के आज हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। जन जिस तरह से बिहार में जिस तरह से अपहरण और जिस तरह से छात्रों और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसके खिलाफ ये महाधरना किया जा रहा है। कल बिहार पुलिस के एग्ज़ाम हुआ, उसमें प्रश्न पत्र लीक हो गया। कल एक महिला के साथ गया में ही वजीरगंज में एक नाबालिग महिला के साथ रेप हो गया। पटना में दिन दहाड़े मर्डर हो जा रहा है। मुजफ्फर में गूंगी बहरी लड़की के साथ जो दिव्यांग छात्रा है उसके साथ अपहरण हो जा रहा है, हत्या हो जा रहा है, बलात्कार हो जा रहा है, उसके साथ हो जा रहा है। पटना में चलते हुए लड़कियों के साथ उसको ज़बरदस्ती से स्कॉर्पियो में बैठा दिया जा रहा है, उसका मर्डर हो जा रहा है। इमामगंज में चलते हुए दो ठठेरा भाइयों को गया में मार दिया गया है। ये कहाँ, ये नीतीश कुमार कहते हैं कि हम सुशासन की सरकार है, कैसा सुशासन की सरकार नीतीश जी? समय 400 था, आज सिलेंडर का दाम 1000 है, पेट्रोल का दाम और डीजल का दाम सैकड़ा पार कर चुका है। ऐसे निकम्मी सरकार को इस केंद्र में या ये स्टेट में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने कहा था कि जिस देश में रुपया का वैल्यू गिरता है उस देश का वैल्यू घटता है, आज इनके राज्य में, नरेंद्र मोदी जी के राज्य में रुपया का वैल्यू घटा है। तो ऐसे प्रधानमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। आज देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल में सत्ता हथियाने के लिए इन लोग ममता बनर्जी पर हमला कराया और इनका कोई नीति नियत नहीं है। देश का प्रधानमंत्री का काम होता है देश चलाना, नहीं कि राज को हथियाना। ऐसे बेशर्म प्रधानमंत्री को आप क्या कहेंगे? और उसके साथ में जो बिहार का पलटू चाचा है, आप देखोगे कि बिहार विधानसभा में जो बिहार सरकार का मंत्री है उनके स्कूल्स उनके